नमस्कार, मैं हूँ महेश बहुगुणा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली का हाट कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। और आज के मौसम की यदि बात करो राजधानी दिल्ली में, बादल प्रातः काल से लगे हुए हैं और सड़कों की यदि बात करो भीड़ भड़ाक का आज हल्का नजर आ रहा, जिसके लिए राजधानी दिल्ली को जाना जाता है। लगातार सड़कों पे हर सेकंड के बाद गाड़ियां चलती है, लेकिन आज के ये हाल है कि धीरे धीरे एक मिनट में गाड़ी जाती नजर आ रही। मेरी दाईं तरफ की सड़क की बात करो यदि, और यहाँ पर मेरे दाईं तरफ कबूतर दाना चुनते नजर आ रहे हैं, ये भी मौसम का पूरा नज़ारा ले रहे हैं। और दिन की यदि बात करो तो यहाँ पर कई यानी असंख्य में यहाँ पर कबूतर रहते हैं ठंड के मारे, ये भी आज बहुत कम नज़र आ रहे हैं। रिक्शे वाले बिल्कुल पैक हुए नज़र आ रहे हैं। आज सारे लोग ज़्यादातर जो भी सड़कों पे जा रहे हैं कैप मफलर कोट स्वेटर पहन के चल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आज बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी है। और यदि मैं राजनीति की बात करूँ तो राजनीति के लिहाज से दिल्ली में बहुत गर्मी है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है ये 2024 में रहेगी या जाएगी, ये तो समय बताएगा। ईडी और लगातार अपोजिट हमला अभी भी जारी है। मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन ऑलरेडी जेल में है, कई ऐसा तो नहीं है 2024 में अरविंद केजरीवाल के लिए स्पेशल जेल का निर्माण किया जा रहा है, और 2024 में कई 24 का पाड़ा सिखाने की मूड में तो नहीं सरकारें। बाहर जब हम जमीन में जा रहे हैं ग्राउंड पर, कई लोग अभी भी केजरीवाल की सरकार के फेवर में नज़र आते हैं। ये रिक्शा वाले की बात कर लो, ऑटो वाले की बात करो, बस वाले की बात करो, ज़्यादातर हालांकि दिल्ली का अभी जो प्रवेश ऐसा नज़र आ रहा है ठंड के मौसम के साथ साथ, अयोध्या में जो 22 तारीख को मंदिर का जो उद्घाटन होना है, जहाँ पर पूरे देश की नज़रें लगी हुई है, उसकी भी बराबर चर्चा नज़र आ रही है। उतनी तेज़ी से राजनीति की गलियारों में केजरीवाल को लेकर के भी बराबर लोग जानने में उत्सुक हैं कि क्या केजरीवाल जेल तो नहीं जाएंगे। जिस तरीके से मैं पूर्व में किताबों की बात करूं, 1971 में चुनाव हुए थे, 72 में होने थे, इंदिरा गांधी ने एक साल पहले चुनाव कराया था, 352 सीटें आई थी, इसी तहस पर मानो बीजेपी चल रही है। क्या करेगी, क्या गठबंधन बनेगा, 2024 में बीजेपी आना तो तय नजर आता है। दिल्ली अभी भी संदेह के घेरे में, जरा पूछ के देखूंगा। आपका क्या नाम है साहब? असलम भाई, ये बताओ आपको क्या लग रहा है राजधानी दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली आगे? आएगी तो केजरीवाल आएगा। क्यों, केजरीवाल ने काम किया है क्या? काम किया, बहुत अच्छा किया। लोग तो बोले बीजेपी बात सकती है, बीजेपी काम कर रही है। अच्छा, अभी भी केजरीवाल का है, केजरीवाल तो बताया जा रहा है घोटाले की उनके नेताओं ने उनके साथ जो फंसाए जा रहे, देखो एक रिक्शा वाले का कहना है। आज ठंड है दिल्ली में, कमाई हो गई आज? नहीं हुई। अभी कितने बजे आए थे आप? एक बजे आए थे, लगभग 5 बजने वाला है, यानी 4:40 का टाइमिंग हो चुका है, अभी तक कमाई नहीं हुई, यानी ये मौसम की मार है। क्या बोलेंगे आप आज के मौसम को? ठंडा है, नहीं कम ठंडा हुआ। और सड़कों पर यदि बात करूं तो हल्की, जिसके लिए राजधानी दिल्ली का हार्ट है कनॉट प्लेस, भीड़ भड़ाक होता था, आज हल्की यानी मिनट मिनट में गाड़ियां नजर आ रही हैं। एक ही और मिलते, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं यार आप, क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? आप कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं अभी, क्या शाम की वॉकिंग कर रहे हैं आप? आप देख रहे हैं मौसम को लेकर क्या बोलना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं आप कुछ? केजरीवाल के बारे में क्या है, उनके बारे में क्या खबर आ रही है आजकल, जानते हैं आप क्या खबर आ रही है, जानते हैं आप? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इस तरीके से ये है नई दिल्ली को जाने वाला सड़क है, और पुलिस वाले भी मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, शायद आज चालान भी नहीं काट रहे, बिल्कुल एक साइड हुए पड़े हैं सामने। वो दूरी पर जरा कैमरामैन को कहूँगा जरा लगाइए फोकस, ये है पुलिस वाले खड़े एक तरफ, कोई चालान नहीं कट रहा आज ठंड के मारे, मानो वो भी एक तरफ हो रखे हैं। ये देखिए राजधानी दिल्ली की कनॉट प्लेस पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। ये लंबी सी इमारतें जो कनॉट प्लेस का हार्ट है, वाइट कलर की बिल्डिंगें, वाइट हाउस के नाम से जानी जाती हैं, और बसें, शाम का मोमेंट धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती जा रही तेज़ी आ रही है, क्योंकि लोग घरों की ओर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बसें भी
बढ़ती जा रही है। देखिए राजधानी दिल्ली से सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।